नए आईटी नियमों के आने के बाद लगातार इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म और आईटी एक्ट के सेक्शन 79 की चर्चा हो रही है, लेकिन असल में ये क्या है इसके बारे में अभी तक कई लोगों को सही से जानकारी नहीं है। इसलिए आज हम आपको इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म और आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि अगर ट्विटर से ये दर्जा छीन लिया जाता है तो इससे ट्विटर को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्या कहता है आईटी एक्ट का सेक्शन 79? जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी संदेश को एक से दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर करता है और सोशल मीडिया उस संदेश को ट्रांसफर करने में सिर्फ एक ब्रिज की तरह काम करता है, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि अगर सरकार या उसकी एजेंसी के कहे जाने पर मैसेज को हटाने में नाकामयाब रहता है तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अब बताते हैं कि आखिर ट्विटर का कानूनी संरक्षण खत्म होने के मायने क्या है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को धारा 79 के तहत सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। इसके तहत किसी आपराधिक गतिविधि के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किए जाने पर कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती है और किसी भी केस में कंपनी को पक्ष नहीं बनाया जा सकता है। वहीं नए आईटी नियम के तहत सोशल मीडिया कंपनी को सरकार ने कहा था कि वे तय समय सीमा के अंदर मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करें जो यूजर्स की शिकायतों को सुने और सुलझाए। नियुक्ति ना होने पर आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत प्रोटेक्शन खत्म करने की चेतावनी दी थी, लेकिन ट्विटर इसको लेकर लगातार आनाकानी करता आ रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू पर कई पोस्ट कर सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कई मौके दिए जाने के बाद भी ट्विटर दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहा। इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्विटर एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म है। इस मामले का साधारण फैक्ट ये है कि ट्विटर 26 मई से लागू हुए इंटरमीडिएट गाइडलाइंस का पालन करने में असफल रहा है, जिसके बाद सरकार ने ट्विटर से भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिला सुरक्षा का अधिकार छीन लिया है। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।